ये है अपने पास हीरो की स्प्लेंडर प्लस। मैंने एक बार वीडियो में शेयर किया था कि जो बजाज एवेंजर आती है तो पल्सर का सेम है, तो उसको कैसे सेट करते हैं एवरेज, तभी मैं इसमें शेयर करता हूँ कि इसकी माइलेज काफ़ी कम हो गई है, ठीक है, इसको कैसे सेट करते हैं, फिर इसमें ध्यान क्या रखते हैं कि मतलब सेट करने के टाइम, ठीक है। ये BS3 टाइप का मॉडल है, लेकिन जो मेथड है ना वो BS4 BS3 दोनों के लिए सेम है, ठीक है, क्योंकि जो मिक्सर जो सेटिंग है वो लगभग एक जैसी है, क्योंकि मेथड एक जैसी हर गाड़ी के लिए, बस आपको पता करना रहता है कि जो RPM का कौन सा है और दूसरा एक जो फ्यूल मिक्सर कहाँ गया उस साइड है, क्योंकि BS4 में शायद BS3 में साइड आता है, हटाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये बॉक्स आपको हटाना पड़ेगा, ये वाला बॉक्स खोल के, और आपको दिख पा रहा होगा तो ये रहा, ठीक है, पुराने टाइप का 2011 का मॉडल है, तो ये इधर उधर होते। अब जो BS4 में गाड़ियां हैं सब में एक जैसा आता है, यहीं आएगा सब कुछ, RPM भी यहीं आएगा और फ्यूल मिक्सर जो भी है सब इधर ही आते हैं, और उसमें अब पुराना टाइप का है तो उधर गया है, तो उसको खोलने के लिए देखो आपको पहले वहाँ एक्सेस करने के लिए एक निकालना पड़ेगा ये बॉक्स, और एक ये आपको 4 पिल या फिर 2 पिल चाहिए, 4 पिल नहीं, ठीक है, तो यहाँ से आपको एक्सेस दिखेगा, उसी के लिए ही बनाया है कंपनी ने, बस ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया है, आपको दिखा नहीं रहा होगा, यहाँ पे है दिखाई स्क्रू, या 4 पिल से आप डायरेक्ट कर लोगे, उसके लिए कंपनी ने इसमें होल भी दिया सेटिंग करके, बाद में उधर एक साइड ही हो गया सब कुछ, ठीक है, तभी मैं आपको उसको सेट करना सिखाता हूँ। पहले करेंगे गाड़ी चला, गाड़ी का जब टेरस सेट करो तो थोड़ी गाड़ी चला लो 5 मिनट 10 मिनट, थोड़ी गाड़ी टेम्परेचर पे रहे, और पहले अपने क्या करेंगे इसका थोड़ा RPM बढ़ा देंगे RPM वाले से, ये क्योंकि गाड़ी जो अपने सेट करते हैं तो RPM तो बंद हो जाती गाड़ी, इसका RPM अपने पहले इसको बढ़ाएंगे, इसका RPM अपने बढ़ाएंगे थोड़ा, क्योंकि गाड़ी बंद ना, और बंद है तो फिर तब से अपने हाथ से भी फिर से ये RPM वाला स्क्रू आपको टाइट कर लेना है। अभी इधर आ जाते हैं, अभी इसमें वो स्क्रू है ना उसी साइड रहेगा, लेकिन यहाँ पे यहाँ आता है तो आपको दिखेगा ये रहा, हाथ भी कितना आ जा रहा है यहाँ से दिखाते हैं, इसको टाइट करना है, टाइट मतलब क्लॉकवाइज घुमाना है, अगर बंद हो जाए तो RPM मीटर फिर से बढ़ा के इसको RPM बढ़ा के फिर से चालू कर लेना, ठीक है। सब कहते 4 चूड़ी 3 चूड़ी, देखो ये हो गई बंद जैसी का घर पे, तो थोड़ा इसका RPM बढ़ा देंगे, RPM बढ़ा के फिर चालू करेंगे, तो ये नॉर्मल प्रोसेस है, हो जाता है, ठीक है, थोड़ा कर लेते हैं टाइट और करेंगे गाड़ी चालू, और बंदी में अगर आपको करना है तो इसको टाइट कर लो पूरा, ठीक है। अब ये बॉक्स हटाते हैं, तो बॉक्स में हटाने के लिए बहुत खोलना पड़ेगा, ठीक है, अब हो गया फुल टाइट, ठीक है, ये रहा स्क्रू, यही मैंने टाइट किया, अभी दिख नहीं रहा था एंगल था कंप्यूटर को उसका इसका कैमरे का, तो यही टाइट करना था, अभी टाइट हो गया है, ठीक है। सब कहते हैं इसको 3 या 4 चूड़ी चढ़ाना, ऐसा नहीं है, कई बार वो 3.5 पे भी पकड़ लेता है, उसके बीच में भी पकड़ लेता है, ठीक है, पोजीशनिंग अलग अलग होती है। अब करेंगे अपनी गाड़ी चालू, अभी RPM और टाइट करना पड़ेगा इसका, ठीक है, तो ये धीरे धीरे चल रही है, RPM तेज करना पड़ा, इसका आटा गिनते कैसे होता था, ये भी देखो मैं इसको घुमाया, ढीला करेंगे एंटी क्लॉक वाइज, आधा तो ऐसे आपको ये सबसे मैक्सिमम RPM पे गाड़ी ले जानी है, मैक्सिमम आप धीमी हो गई है तो उसको टाइट करेंगे, धीमी हो गई है उसको टाइट करेंगे, इसको सेट करेंगे, अब यहाँ कमा लेंगे, सेट करना करता है जब तक गाड़ी का नॉर्मल ना चलेगा, अभी फायरिंग ज्यादा है, एयर फ्यूल इसी से मिक्सर सेट होता है, अब आपकी गाड़ी एकदम मैक्सिमम, ठीक है, ये कर लो, और एक्सलेटर देने में गाड़ी बंद हो जाए, अपने कंच में एक्सलेटर देते हैं,
ये बंद हो गई, तो थोड़ा सा आपको आरपीएम टाइट कर लेना है। ये इसका सबसे लोएस्ट आरपीएम पे गाड़ी चल रही है, बंद नहीं होनी चाहिए, अगर बंद हो तो थोड़ा सा आटा टाइट कर लेना है। ये BS3 वाला मॉडल है, BS4 में भी सेम मेथड है, यहाँ पे रहेगा। और मैक्सिमम आरपीएम पे जब वो सेट हो गाड़ी आपकी ज़्यादा आवाज़ करती रहे तब इसको स्लो डाउन कर देना, तो आपका ऐसे फिर सेट जाएगी। हीरो की कोई भी गाड़ी में ग्लैमर भी है उसमें भी है, लेकिन फ्यूल मिक्सर यहाँ पे है, ठीक है, उसको भी कभी शेयर करूँगा गाड़ी हाथ में आएगी तो। ठीक है, मैंने रेंजर का बताया था, इसका बता दिया, अब बचिए ग्लैमर उसको बता देंगे। और कोई गाड़ी आएगी, क्योंकि अब BS6 में तो इंजेक्टर आ गए तो लफड़ाई ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, अगर आपकी इस सेटिंग में प्रॉब्लम है तो आपकी एवरेज कम से कम आएगी। ठीक है, जरूरी नहीं कि स्प्लेंडर अच्छी रेंज निकाले, ये भी 30-35 की आ जाती है। ठीक है, हाँ, तो वीडियो पसंद करते हैं, वीडियो पसंद आया लाइक और शेयर कर दो, आप मेरे चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर दो, आप लोग चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो सब्सक्राइब करो, मिलते हैं अपने वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।